सर हमें लेह की तरफ जाना है। ये सारा रास्ता जो है ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है और यहाँ पे बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। बहुत मजे में होंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता हमारा ये सफ़र लद्दाख का है, हमारा टूर जो है लद्दाख का चल रहा है, पूरा सीरीज लद्दाख की चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत मज़ा आ रहा है। होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा हो। और आज हमें करगिल में, हम कल ही पहुँचे थे यार, कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके वो व्लॉग्स भी चेक करना। अभी हम जा रहे हैं, अभी हम निकल रहे हैं लेह की तरफ। लेह में रास्ते में जो चीज़ें आएंगी वो हम दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह। अभी साहिल भाई ने जो है चाय बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय हम मेजॉरिटी खाना हम कोशिश करते हैं कि खुद से ही बनाएं, बजट फ्रेंडली भी हो जाता है और बाकी सारी चीज़ें भी, वो सारी चीज़ें देखो सबसे इम्पोर्टेंट हाइजीन, मतलब हाँ हाइजीन मेंटेन अपने हिसाब से करना, क्योंकि देखो ये छोटा सफ़र तो है नहीं, दो दिनों का, तीन दिनों का, 11-12 दिनों का सफ़र है, तो वो देख के चलना पड़ता है। अभी चाय पीते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। आज धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप तेज़ है। ये तीन दिन जो पिछले निकले हैं इनमें मौसम बहुत सोहना था, आज धूप है। तो सामान हमारा सारा पैक हो गया है, जो आपने टाइम लैप्स भी जिसका आपने देखा, इस पर भी लोड हो गया, इस पर भी लोड हो गया। साहिल भाई हाँ जी, क्या कर रहे हो? अरे हवा कम है। क्या भाई सुबह लो, लीक हो रहा है, अच्छे से बंद नहीं हुआ, अच्छे से बंद करो ना इसको। तो अभी सारा सामान लोड हो गया, बस अब यहाँ से करगिल से हम निकलेंगे। ऑलमोस्ट 6-7 घंटे का सफ़र है, क्योंकि हम रास्ते में रुकेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, बहुत सारी मतलब व्लॉग्स के लिए जो फुटेज है वो कलेक्ट करनी है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, लेट बहुत हो गया, लेट हमेशा हो ही जाता है हमें, कोई नहीं, अब यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में मिलते हैं मोटो व्लॉग पे। बिस्मिल्लाह, आज का सफ़र खैर खैरियत से निकालना। तो अभी हम करगिल से जो है वो निकल गए हैं, तो आज का हमारा सफ़र, आज की डेस्टिनेशन जो है वो है लेह। तो हमें लेह पहुंचना है इंशाल्लाह आज। ऑलमोस्ट 240 किलोमीटर। सर हमें लेह की तरफ जाना है, यहाँ से नज़दीक पड़ेगा हमें। अच्छा अच्छा ठीक, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ की ट्रैफिक पुलिस भी जो है बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्ट करती है, रास्ता बताती है खुद से ही, बोलना नहीं पड़ता कि रास्ता कहाँ से, खुद से रोकती है कि आप यहाँ से जाओ, यहाँ से नज़दीक पड़ेगा, यहाँ से जाओ, यहाँ से ईजी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम करगिल जो है बस्ती से निकल रहे हैं। साहिल को आगे छोड़ दे। अभी हमें दराई सुरू को पार करके जाना है और उस वाले साइड से जाना है हाईवे पे, तो ये वाला ब्रिज है। यहाँ मेजॉरिटी ब्रिज जो है वो लोहे के है, जो आर्मी ब्रिज होते हैं ये वाले। ये हम कर रहे हैं दराई सुरू पार, ये है, और इसका फ्लो जो है बहुत ज़्यादा आज, बहुत ज़्यादा। अभी हमें पेट्रोल भी फुल कराना है, देखते हैं कितना पेट्रोल अभी जाएगा टैंक में। सबसे मतलब दहलाने वाली बात यह है कि मेरी टैंकी में अभी एक डॉट भी कम नहीं हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये टैंकी में फॉल्ट है, मीटर में फॉल्ट है या और कुछ।
पता नहीं क्या है। 16 लीटर तेल जो है इसमें आयत है, मैंने 15.26 डाला था और कुछ पॉइंट इसमें खुद के भी होंगे, तो 16 नहीं तो 15.5 तो आए ही आए हैं, वो तो पता ही है। अब यहाँ से जो आपको बहुत ज़बरदस्त लैंडस्केप देखने को मिलेगा, हर 2-3 किलोमीटर के बाद आपको देखने को मिलेगा कि पहाड़ों का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे कि पेट्रोल आएगा कितने का इसमें। कितने का आया? 600 का। तो हमारी टैंकी में 600 का पेट्रोल आया, मतलब 5.72 लीटर। 5.72 लीटर बारामूला में। हैं? नहीं नहीं नहीं, बस एक ही बार फुल वहीं पे कर रहा था। तो यहाँ से जो है आपको पूरा कारगिल दिखेगा, ये देखो यहाँ से पूरा कारगिल दिख जाता है, पूरा कारगिल टाउन। अभी तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाइक ने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं की, अभी तक बिल्कुल ठीक चल रही है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। हमने अभी तक उतना लॉन्ग स्ट्रेच कोई नहीं किया, 178 किलोमीटर्स का एक लॉन्ग स्ट्रेच किया था, तो उसके बाद आज हम एक लॉन्ग स्ट्रेच कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये देखो आप, यहाँ से आपको पूरा कारगिल दिख जाता है पूरा। चलो जी अब हम थोड़ा सफ़र करते हैं, थोड़ा अभी बहुत दूर है, तो मोटो व्लॉग को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं और सफ़र पे कंसंट्रेट करते हैं, और आगे जाके जैसे कुछ दिखता है, कुछ मिलता है अच्छा सा, तो उसको रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नमिकला पास, नमकीला, नमिकला या कुछ भी इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हो, नमकीला एक्चुअल इस पर लिखा है, और हाइट है इसकी 12,198 फीट, नमकीला पास। यहाँ पे कुछ फोटोज़ वोटोज़ क्लिक करके फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो अभी हम 74 किलोमीटर्स पे रुके हैं और थोड़ा कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है। तो अभी हम रुके हैं बुधखरबू में, बुधखरबू में हमने दाल चावल ऑर्डर किए हैं। आगे मैंने सुना जो है रास्ता थोड़ा ख़राब है, कहाँ मोनेस्ट्री का क्या नाम है, लामायरू, तो लामायरू उस साइड से जो है रास्ता ख़राब है, लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ता अभी बंद है। हम जब तक वहाँ पहुँचेंगे तब तक ऑलमोस्ट इंशाल्लाह रास्ता जो है वो खुल जाएगा, तो पहले लंच कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। लंच हो गया, पेट भर के खाना खा लिया, क्योंकि सफ़र अभी बहुत दूर है, अभी 8 घंटे लगने, कम से कम 7 से 8 घंटे तो लगने ही लगने हैं, क्योंकि 78 किलोमीटर्स में हमें ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, अब ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर्स और बचे हैं और इसमें 7 से 8 घंटे तो लगने ही लगने हैं, तो चलें अभी। ये सारा रास्ता जो है ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है, और यहाँ पर बहुत संभल के चलना पड़ रहा है क्योंकि बाइक फिसल रही है, मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है, बहुत ज़्यादा, बहुत फिसल रही है। और लोग पल्सर की बात कर रहे हैं, ये देखो लोग साइकिल्स पे हैं, साइकिल्स पे हैं लोग, साइकिल्स पे, जस्ट सी देम। दिस इज कॉल्ड पैशन, ये होता है पैशन, इसको पैशन बोलते हैं। और यहाँ पे रोड थोड़ा ख़राब है,
पे टायर फिसल जाते हैं, बहुत चिकनी मिट्टी है। जब कुछ करने की ठान ली ना तो उसको कर लेना चाहिए, बहाने नहीं बनाने चाहिए। ज़बायुल, आगे जो 1 किलोमीटर के बाद एक विलेज आना आने वाला है उसका नाम है ज़बायुल द इनविजिबल विलेज, कारगिल लद्दाख। थैंक यू फॉर विजिट, विजिट अगेन टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। मतलब हम लेह एंटर कर रहे हैं। यह है ज़बायुल का रास्ता जो जाता ऊपर की तरफ द इनविजिबल विलेज। ज़बायुल द इनविजिबल विलेज वे टू हेरिटेज म्यूजियम, ये जाता ऊपर जो वो आप देख रहे हैं वो वाला, वो है ज़बायुल विलेज। सच में इनविजिबल है, पता है क्यों? क्योंकि ये पहाड़ों के साथ मिक्स हो रहा है ना, सेम कलर सेम चीज़ है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है, कहाँ कहाँ बसती है। चलो चलते हैं आगे, हम अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करते हैं लेह की तरफ। ये देखो जी, हर जगह पे लैंडस्लाइड्स आए हैं, हर जगह लैंडस्लाइड्स आए हैं। बहुत मुश्किल है यहाँ से निकला। शट शट शट, फिर टायर फिसल जाता है। बहुत मुश्किल है, कर लिया। आगे और भी है, इससे बाइक फिसल जाती है। शूज पूरे कीचड़ कीचड़ हो गए। टफेस्ट ऑफ रोड। ये क्या था, ये था क्या, ये था क्या? अभी शुरुआत है, शूज़ की हालत ख़राब हो गई। हाँ हाँ, फ्लैश फ्लड से सारा ख़राब हो गया, अभी पूरा रास्ता ख़राब है वहाँ। चलो जी आगे चलते हैं। ये है लामा इरू, और वो जो आप ऊपर देख रहे हैं वो है मोनेस्ट्री, वो लामा इरू मोनेस्ट्री, वो ऊपर। ये सारा एरिया जो है ये लामा इरू का है। इंशाल्लाह अगर वापसी पे टाइम मिला तो हम वहाँ ज़रूर जाएंगे लामा इरू। फ़िलहाल अभी हमें लेह पहुँचना है। रास्ते में एक ज़बरदस्त सी लोकेशन मिली है, ये देखो आप। लोकेशन कितनी ज़बरदस्त है, बहुत सुंदर लोकेशन मिली है। और यहाँ पे हम बना रहे हैं चाय। चाय
चाय के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं। चाय पियेंगे इंशाल्लाह, फिर आगे जाएंगे। और अभी बस यहाँ से 50 किलोमीटर्स रह गए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 45 मिनट्स इंशाल्लाह। रास्ता बहुत साफ़ है, बहुत क्लियर है। तो जी यहाँ पे एक जगह हम रुके और यहाँ पे दो रिवर मिलते हैं, वो देखो यहाँ से मिट्टी वाला पानी और वहाँ से साफ़ वाला पानी। जंस्कार वाला कौन सा? वो जंस्कार वाला है, ये सूरी होगा, क्या था वो? सुरू तेरा सुरू शायद ये है, और वो जंस्कार का है। बहुत खूबसूरत है, यहाँ राफ्टिंग भी होती है। ये है मैग्नेटिक हिल्स। ओके यहीं पे मैंने बोला था कि फोटोज क्लिक करेंगे। मैग्नेटिक हिल्स हाँ, तो ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं मैग्नेटिक हिल पे। बोल रहे हैं कि अगर गाड़ी वहाँ ऊपर रखेंगे तो वो नीचे खुद ही ऊपर चली जाती है, ग्रेविटी के अपोजिट। लेकिन ये किस हद तक सही है पता नहीं। हॉल ऑफ फेम ट्राई करेंगे यहाँ भी जाने की, वैसे यहाँ आजकल शायद अंदर नहीं जाने देते, फिर भी ट्राई करेंगे वापसी पे। तो गेस्ट हाउस हमने किया है ये वाला थुप वांग गेस्ट हाउस, थुप वांग, और लोकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, लोकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, रेट भी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब सब कुछ। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि यहाँ पे ठीक है ना। तो यह है लोकेशन, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन, हर तरह से ग्रीनरी। तो फाइनली रूम मिल गया है, मैं आपको रूम टूर करा देता हूँ। ये हमारा रूम, लाइट नहीं है लेकिन, हाँ लाइट के बगैर काम, लाइट चली गई अभी। यह वॉशरूम काम चला लो, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ से सीधे व्यू देखो आप, ये है यहाँ से व्यू, और वो शांति स्तूप वो, और व्यू देखो आप कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। किसी ने जिम बनाया है खुद से। और इस रूम का एड्रेस जो है, एक हम रास्ते में एक जगह रुके थे, नमकीला में रुके थे, तो एक सब्सक्राइबर मिले थे, तो मुझे उनका नाम भूल गया, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया। बहुत बेस्ट, बहुत जेन्युइन रेट, सब कुछ बेस्ट, मतलब कैसे थैंक यू करूँ मैं आपका, थैंक यू सो मच ये एड्रेस देने के लिए। हम डायरेक्टली इस एड्रेस पर पहुँच गए थे, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर दें, बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग बन गया, कोई नहीं, आप मैनेज कर लो, आप देख लो, स्टब में देख लो, लेकिन देख लो, बहुत मज़ा आएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे लेह के रिलेटेड, लेह को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अल्लाह हाफिज़।